Assalamualaikum guys, मैं हूँ इतना यू वॉचिंग किस्सा के ननस न्यू ब्लॉग जो मेरा कहे नहीं जो ग्रावेस का है। तो गाइस कैसे आप लोग, सब उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करे आप लोग खुश आबाद रहे। और आज है कुछ नया सीन, अभी तो फिलहाल नाश्ते हो रहे हैं, देखें इसका कोई मसले से पूछते जा रहे हैं और मेहमान भी अभी उठे हैं, जो कि जल्दी उठने वाले लोग वो उठे 1 बजे। आपकी भी आंटी भी, दोनों आंटियां भी ऐसे उठे हैं जो जल्दी उठते हैं। तो ये बहुत ये अलम और ये आंटी, ये दोनों खड़ी हुई है, ये दोनों लेट उठी है। मुझे तो लगा था 10 बजे आवाज आ जाएगी हमें, पर आई नहीं। 10:30 भी नहीं आई, 11 बजे भी नहीं आई, 12 बजे भी नहीं आई, 1 बजे को मैंने जबरदस्ती उठाया इनको। मैंने जबरदस्ती उठाया डाल के। मेरी ब्लैक कॉफी और सुबह हो गई है और लाइक अभी तक गला खराब है क्योंकि कल बहुत चिक्के चलाए थे हम लोग। खैर गाइस, तो आज असल में अक्सा की शादी की सालगिरह का फंक्शन है, घर में फंक्शन ही थोड़ी छोटी सी गेट टुगेदर है घर ही में। तो अक्सा जो है वो आज अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने वाली है, तो इसलिए ये जी गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आज है अक्सा और इसहाक की एनिवर्सरी और लाइक शादी की, सही ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी। और आज जो है वो हमारे घर में इवेंट है क्योंकि हम लोग घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस से छत है। हम लोग आज करेंगे बारबेक्यू और बोटियों में मसाला लग चुका है और मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई और वो भी बन चुकी है ऑलमोस्ट। पर दूल्हा दुल्हन जो है वो हमेशा की तरह गायब है। अक्सा हमेशा हर इवेंट में लेट ही करती है, कोई नई बात नहीं है। तो ये एमन फातिमा बैठी है, एमन दोनों कम इधर आओ, इधर आओ मम्मा बस इधर आओ। अयान इसको पकड़ो, गिरेगी अयान, वो पीछे देखो। बच्चों ने मेरे कमरे को नाम ही दिया है बच्चों का कमरा और इतना हल्ला गुल्ला मचाया है, वो ये देख सकते हैं आप लोग कमरे की हालत। मुझे अपना कमरा पसंद नहीं आ रहा है। ये गणो हल्ला, ये मिस्टर हैंडसम मोहम्मद अनस और मिस्टर हैंडसम मेरे हस्बैंड जो घर की मुर्गी दाल बराबर अवेज अली खान साहब आ गए मुझे केएफसी खिलाने का वादा करके और स्किप कर लिया ना, याद रखना जानू आप, याद रखना अवेस, याद रखना इसको, अवेस को अवेस को बुलाओ बेटा जी गाइस। तो ये लोग आ चुके हैं, असल में जो जिनकी एनिवर्सरी है वो लोग आ चुके हैं और ये है मैन इन ब्लैक भाई और ये कौन है बड़ी बहन शर्म में, ये सोने मना भी क्या बीबी ये क्या जो है? तुम मना करोगे मैं वो करूंगी, मेरे भाई मेरे लाल मेरे हरे मेरे नीले मेरे पीले, जो तुम मना करोगे मैं वो करूंगी। मैं वो दीदी बच्चा हूँ, मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे कोई मना करे। कैसे हो फेरी, निशान कैसे हो बबू गुजर, बाली की तैयारी करते हुए मैं सोचे भविष्य केएफसी कौन खरा ही, बस यो याद रख जाइया यार, ड्रामा न के इतरो मासूम को नहीं इतरो तो प्रिटेंड करी पे मानु जग गया, सही है ना। बारबेक्यू तैयारी हो रही है गाइस, एनिवर्सरी का केक कटने वाला है और गाइस ये गेले गिफ्ट लेना देने का सिस्टम शुरू हो चुका है और ये भागने वाला भगोड़ा इंसान ब्लू रिबन के लिफाफे के पीछे, ये आप पहचानते हुए लंबा लंबा भूत भाग रहा है और ये लंबा भूत पता नहीं क्यों भाग रहा है हमारी शब्बो क्या क्या क्या। इसाक भाई ने अपनी बीवी के लिफाफा बनाया, इसाक भी अपनी बीवी को लिफाफा दे रहा है। तो जी गाइस खाना बंद हो गया, सॉरी मतलब खाना खा लिया हम लोगों ने, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत शदीद भूख लगी थी। शफीक अहमद खाना खोल, शफीक अहमद खाना खोल दे, तो बस खाना बंद हो गया अभी क्योंकि हमने ना
बहुत खाया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा भूख लगी थी मुझे तो, और बोटी बहुत जबरदस्त बनी थी वाकई। आपके दोस्त ने बहुत जबरदस्त बोटी लगाई थी यार, जबरदस्त बोटी थी। अम्मी आपको बोटी कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने कढ़ाई भी बहुत मस्त बनाई। थैंक यू अक्सर। मेरी कढ़ाई कैसी लगी आपको? जबरदस्त क्यों यार, अल्लाह यार। जी गाइस तो खत्म हो गए, हमें उतर ड्रेसिंग किया, मजा आया। अक्सर आपको मजा आया यार? मैंने बहुत एंजॉय किया सीरियसली। तुम लोगों की दावत बहुत एंड लेवल की थी सच में, दिल से खिलाया तुम लोगों ने, बहुत मजा किया। बेशक प्लेस हमारी थी, कढ़ाई अच्छी थी ना मेरी, सबको अच्छी लगती है अवेश की बोटिया, नहीं अवेश के दोस्त की मसाले वाली बोटिया। हाँ क्रेडिट अवेश, हाँ क्रेडिट अवेश पे गया कि अवेश के दोस्त ने बोटी पे मसाला लगा के दिया। अवेश थैंक्स टू यू आल्सो, ये लोग थैंक यू बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है ना? आप लोग बोल देना बाद में। तो हम लोग अब व्लॉग को करते हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। ये रहा मेरा माइक, नेक्स्ट टाइम बच्चे का काज करे इंशाल्लाह।